पिहोवा के पूर्व कप्तान संदीप सिंह सूरमा ने भरे नामांकन पत्र। आज पिहोवा से हॉकी के पूर्व कप्तान व अर्जुन अवार्डी संदीप सिंह सूरमा ने नामांकन पत्र दाखिल किए। इस उपलक्ष्य में कुरुक्षेत्र रोड नई अनाज मंडी में एक नया जन समूह इकट्ठा हुआ, जिसमें कैप्टन अभिमन्यु कृष्णवेदी, हरपाल सिंह चीका, प्रोफेसर कैलाश सैनी व अन्य गणमान्य नेतागण मौजूद थे। इस बड़े जनसमूह में इन सभी नेताओं ने भाजपा सरकार के गुणगान गाए व संदीप सिंह को पिहोवा से विधानसभा की सीट के लिए लोगों से जिताने की अपील की। इस बड़े जनसमूह में पिहोवा के सभी लोकल नेता भी मौजूद थे। पिहोवा से सभी पार्टियों के उम्मीदवार उतरने पर और नामांकन पत्र दाखिल होने के बाद चुनावी लड़ाई अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है और इस त्रिकोणीय मुकाबले में कौन बाजी मारना है आने वाली 24 अक्टूबर तय करेगी। इस जनसमूह में संदीप सिंह ने कहा कि भाजपा की सोच और उन्नति को इसी प्रकार आगे भी बढ़ाए रखा जाएगा और प्रधानमंत्री की सोच सबका साथ सबका विकास लेकर आगे भी इसी नीति पर काम किया जाएगा। पिहोवा में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में है, लेकिन आजाद उम्मीदवार स्वामी संदीप ओमकार को भी कम नहीं आंका जा सकता। पिहोवा में सिख वोटरों की गिनती ज्यादा होने के कारण कांग्रेस और भाजपा ने सिख उम्मीदवारों को चुनाव में उतारा है, इसलिए माना यही जा रहा है कि विधानसभा की सीट से कोई सिख उम्मीदवार ही जीतेगा। परंतु इस बार हरियाणा के राजनीतिक समीकरण बदलने के कारण काफी उथल पुथल का माहौल है, जिस कारण यह तय करना काफी मुश्किल है कि किस पार्टी का उम्मीदवार विजय प्राप्त करेगा। त्रिकोणीय मुकाबला होने के कारण आने वाली 24 अक्टूबर ही तय करेगी कि जीत किसके हाथ लगती है। बहुत से लोगों ने तालियां मारी है, बहुत से लोगों ने सराहा है, लेकिन जो आज मुझे खुशी हो रही है वो खुशी मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने पे भी थी। मैं आपसे एक वादा करता हूं, जो हमारे पड़ोसी हल्का शाहबाद से जितने भी खिलाड़ी बने हैं, आने वाले टाइम में मैं उनके मुकाबले में आपके यहां से, हमारे यहां से, पेवा से खिलाड़ी लाऊंगा। हॉकी में बाकी गेमों के भी लाऊंगा, हॉकी के साथ बाकी गेमों को भी लाऊंगा। आप प्यार देते रहे, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते रहे, कमल के फूल के बटन को दबाते रहे। 21 तारीख को आपको पता है चुनाव है और 21 तारीख को जो भी काम है वो छोड़कर आप अपनी वोट दें। आपकी वोट ही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को लेकर आएगी। जो आप लोग पिछले 5 साल में जिसको आप मिस करते रहे हैं, एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक को, वो इस बार आपके हाथ है। मैं आपसे एक और वादा करता हूं, यहां पर लोग कहते हैं कि गलियां बनवा दूंगा, सड़कें बनवा दूंगा, नालियां बनवा दूंगा, आप मुझे वोट दो। लेकिन मैं कहता हूं ये सब होगा, हो रहा है, होगा। गलियां नालियां सड़कें बनेंगी, लेकिन इसके साथ साथ एजुकेशन, स्पोर्ट्स, रोजगार, महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का हेल्थ, बुजुर्गों का हेल्थ, ये सब लेके आऊंगा।